आज आपका स्पेशल बेहतरीन लौकी दो प्याजा बनाएंगे, जो कि बच्चों को तो इतनी पसंद आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे नॉर्मली आलू होता है वो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन आज मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी वीडियो में दावा नहीं किया, दावा कर रहा हूँ, ये रेसिपी सभी मम्मियों के लिए जिनको बच्चों को लौकी खिलानी है उसके लिए रामबाण उपाय है। देख लीजिए आप लौकी, देखो आप लौकी को। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको पील कर लिया था, ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम पास से, ठीक है। मैंने सबसे पहले लौकी को क्या किया, पील कर लिया और उसको इस शेप के अंदर काटिए, देखो आप अच्छे से देख लो। मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों की मेंटेलिटी एकदम फिक्स है, आप क्या करते हो जो लौकी है ना उसको क्यूब के अंदर काट के रखते हो, छोटे, ऐसा मत करो, शेप चेंज करो। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ छोटी सी, पनीर होती है वो भी फीकी होती है, ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या अच्छे से फीकी पनीर किसी को भी पसंद नहीं आती, बहुत से कम बच्चों को पसंद आती है, लेकिन उसी को अपन अगर पनीर की सब्जी या शाही पनीर या कढ़ाई पनीर या पनीर दो प्याजा बना के खिलाते हैं तो वही पनीर सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पनीर की शेप चेंज करेंगे। तो आज अपन उसकी थोड़ी साइज चेंज करेंगे, देख लीजिए आप, छोटी नहीं काटनी है, कुछ इस तरीके से काट के लानी है। अगर आपको काटना भी सीखना तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि वेजिटेबल कटिंग के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक अपना ये है, अपन ने काट लिए अच्छे से, इस तरीके से काटनी है। मेरे वीडियो को रिकैप कर करके देखो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अपने को लौकी को ऐसे काटना है, क्योंकि शेप के ऊपर ही सब कुछ, आपको बच्चों को पागल बनाना है इस मामले में, क्यूब के अंदर नहीं कुछ शेप। ओके आज स्टार्ट करते हैं, चलो देखो नाचनो टाइम पास गुन करनो, देखो हर वीडियो में मेरे साथ टाइम पास करवा लाग दो, मैं भूल मिल जाऊँ तो, ठीक है, आओ बना गिरा जा रेसिपी, ठीक है, आओ। पानी हो चुके जो गर्म, अब ये गर्म पानी में क्या करना, थोड़ी सी देखो अतरोक सोप नमक डालो, जो डाल दूँ वो डाल दी, और 1 टेबल स्पून का तकरीबन के मायने ऑयल वो डाल दिया, ठीक, गर्म गर्म पानी होगो ये देखो, ठीक है, डाल दूँ ये डाल दिया अपन ने, जो अपना ये एक्सेस पानी है जो अपन ने किया था, देखो ये वाला, इसको अपन हटा देंगे, ठीक है। देखो कुछ समय बाद में अपनी लौकी बे हो चुकी है एकदम बॉयल, ज़्यादा बॉयल गुन करनी है, बस नॉर्मल बॉयल, देखो आपने जो लौकी है ना ये कट जानी चाहिए, बस देखो आराम से कट रही है, ज़्यादा भी नहीं नॉर्मल, ठीक है, होगी। अब आप क्या कर सकें, लौकी ने पानी ना हटा और एक मायने साइड में रखने लाप, होगी दो स्टेप। तो अब ये जो पानी है ना, अगर आपको करी वाली बनानी है, इनकी करीदार बनानी है, तरी सब्जी बनानी है लौकी की, तो आप इस पानी को यूज में ले, क्योंकि इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स के, जो अपने लौकी के, जो भी सारे विटामिन प्रोटीन मिनरल्स वगैरह उसी के अंदर चले गए। तो अपने को क्या करना, अगर करी वाली बनानी है तो ये पानी यूज में लेना, वो दूसरा वाला पानी यूज में नहीं लेना आपने, ठीक है। और इधर देखो अपनी जो लौकी है वो हो चुकी है एकदम बॉयल। सबसे पहले इसके अंदर 2 टेबलस्पून के तकरीबन इसके अंदर अपने को क्या डालना है, ऑयल डालना है, ठीक है, इसको कर लेते हैं गरम, हो गया अपना गरम। अब इसके अंदर ये डालना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ सोते ही करना है। अब कर दूंगा मैं इसको बंद, इसके अंदर देखो, अब मैं इसके अंदर निकाल लूंगा ये। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, लौकी को सिर्फ थोड़ा सा तेल लिया है, उसके अंदर सिर्फ सोते किया मैंने और कुछ नहीं। अब घी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप घी ले सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है, या सरसों का तेल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में यूज में ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। सिंपल सा अपने को इसको सोते करना है, क्योंकि ये सोते इसलिए करते हैं क्योंकि अपन ने जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, जो मॉइस्चर रहते हैं इसके अंदर, वो कम हो सके, जैसे कि टेस्ट फीका फीका ना हो, ठीक है। अब चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उसके अंदर ऐड कर देना है, डाल दिया है। अब अपने को क्या करना है, इसको उसी पैन के अंदर बनाना है, अगर दूसरी पैन के अंदर बनाओगे तो जो लौकी का जो प्री टेस्ट ना वो कम हो जाएगा, तो उसी के अंदर बनाना है, जैसे कि टेस्ट एनहेंस करना है, बढ़ाना है, बच्चों को पागल बनाना है। चलिए, तो अपना जो तेल है वो हो चुका है गरम, उसके अंदर सिर्फ 1/2 टेबल स्पून, आप चाहो तो उससे भी कम कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है, 1/2 टेबल स्पून के तकरीबन अपने को इसके अंदर जीरा डालना है, ठीक है, क्यूमिन सीड जिसको बोलते हैं,
हो गया, थोड़े बहुत हो गया भुन गए, उसके बाद जब अनियन डाल दो, चॉप किए भी अनियन नहीं, और आप चाहो तो रफली कट किए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गार्लिक को इसलिए मैं अनियन के बाद में डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो गार्लिक है वो अपन गर्म ऑयल के अंदर डाल देंगे तो सब पूरा का पूरा जल जाएगा, और बाद में जो गार्लिक का टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गार्लिक डाला भी है क्या। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली इस रेसिपी में आप अनियन के बाद में ही आपको ये गार्लिक डाल, ठीक है। अब इधर देखिए थोड़ा बहुत पक चुका है अपना अनियन, बस ये राइट एकदम सही स्टेज है, इसके अंदर अपन रफली कट किए हुए अपने अनियन डाल दें, ठीक है। ठीक है, अब इसको अपने को भून लेना, अच्छे से पका लेना। एक बात मैं इस रेसिपी में आपको अच्छे से बता देता हूँ कि आपको जो मैंने शेप बताई है, जैसे कि लौकी को आपको क्यूब के अंदर, छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर नहीं काटना है, ठीक है। अनियन और टोमेटो को आप रफली कट कर सकते हो, चॉप भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। आने वाली जो जैसे कैप्सिकम हो गई या अनियन के क्यूब्स हो गए, वो उसी शेप में काटना जिसमें आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, इधर देखिए आप, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे अनियन और टोमेटो है वो थोड़ा बहुत भुन चुके हैं, तो ये राइट स्टेप है, राइट टाइम है, इसके अंदर आप जो रफली कट किया है मैंने, छोटे छोटे बीन्स भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि बीन्स भी बच्चों को बहुत कम पसंद आती है, तो ये क्या पक जाए, इसलिए मैं इन दोनों के साथ इसलिए ही डाल दूँ कि टाइम पे हमने इसको क्या ब्लांच तो किया नहीं, मैं ब्लांच इसलिए नहीं किया इसको क्योंकि जो थोड़े बहुत अपन डालना है, अपने को ज़्यादा डाल देंगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बीन्स डालने के बाद बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, मना कर देंगे खाने के लिए। लेकिन मैंने इसको इसमें थोड़ा सा क्यों डाला है कि अगर टेस्ट सेट हो रहा है उस लौकी के साथ में, तो आप अच्छा मतलब सर्व कर सकते हो, बच्चों के पास में अच्छे से अच्छा प्रोटीन या विटामिन तक की जो कमी रहती है वो पहुंचा सकते हो, इसीलिए मैं लौकी और बीन्स दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखो आप, अब उसके बाद में थोड़ी दस देर बाद में ये जो अपने मैंने क्यूब कर लिए थे, यह है कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्रीन कैप्सिकम, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे, ग्रीन कैप्सिकम भी डाल दीजिए, ठीक है, डाल दी ग्रीन कैप्सिकम। देगी मिर्च बेस्ट रहती है, ठीक है, 1 tablespoon देगी मिर्च, इसके अंदर थोड़ा बहुत टर्मरिक अराउंड 1/4 table, इसके अंदर 1 tablespoon हमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर के बाद में अपन सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, ये टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, जैसे कि हमारा मसाला थोड़ा जले नहीं, थोड़ा सा वही वाला पानी यूज़ में लिया है मैंने, जो अपन ने मसाला जो अपन लौकी को वो किया था ना बॉइल, जो लौकी को बॉइल किया था अपने, वही पानी मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया। अगर आपको ये फ्रेश चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे कि देगी मिर्च हो गई या वेजिटेबल्स आपको फ्रेश नहीं मिल रही, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मसाले का, ठीक है, मसाला एकदम अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है हमारा, जो मसाला है देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत भुन चुका है, नॉर्मल भुनना चाहिए, ज़्यादा भुनना नहीं है क्योंकि अपन ने रेगुलर रेड चिली यूज़ में नहीं ली। तो क्यूब किए हुए अपने अनियन ऐड कर दो इसके अंदर, और क्यूब किए हुए टोमेटो, मैंने बीच वाले जो सीड्स होते हैं उस पोर्शन को हटा दिया था, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दो। फ्लेम आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जब भी आप मसाले ऐड करें तो फ्लेम को कम ही रखें, क्योंकि अगर आप मसालों को तेज गैस को तेज़ रखोगे या फ्लेम को तेज़ रखोगे तो आपके जो मसाले वो सारे के सारे जल जाएंगे, वहाँ टेस्ट नहीं आएगा। आप बोलोगे कि कैमरामैन ने नहीं बताया, कैमरामैन ने तो बताया भाई, मैंने नहीं बताया, ठीक है, ठीक है। हमारे मसाले हैं, देखो सारे के सारे जो मसाला बनाया था वो तो बन चुका है, लेकिन जो ये डोमिनेटिंग वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, यानी कि नॉर्मल पक चुकी है, ज़्यादा नहीं पकाना वैसे। और ये थोड़ा सा अपना 1/4 है हींग, हींग ही इस रेसिपी का मोनोपोली, इस रेसिपी की
लेकिन अलग चीज होती है और नीचे लगना। देखो मेरा अभी भी कलर, ये कलर देख लीजिए, ये वाला जो कलर है ये वाला, और इसको देखिए ये वाला जो मसाला है नॉर्मल मसाला, दोनों सेम है, मतलब मेरी सब्जी लगी नहीं है। ठीक है, लगने का मतलब होता है एकदम काला पड़ जाना। ठीक है जी, ये हो गया अपना बेस, हो गया एकदम तैयार सब्जी का। अब अपने को क्या करना है, जो ये लौकी है ना देखिए, ठीक है ये मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा फ्लेम मैं इसको बढ़ा लूंगा जिससे कि लौकी के अंदर मसाला जल्दी से जल्दी जा सके। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जैसे कि लौकी के अंदर अपना इसका पानी, मतलब मसाले का टेस्ट जा सके। हो गया, तो ये अपना गरम मसाला अराउंड 1/4 टेबलस्पून हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 मिनट तक हमने हमारी जो सब्जी उसको पका लिया है, ऑलमोस्ट हमारा जो मसाले का जो टेस्ट है वो सब्जी के अंदर चला गया। तो अब ये 1/4 जो टेबलस्पून गरम मसाला होममेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप जाके सीखो और आप पर्सनल एक्सपीरियंस करो कि कैसा मसाला बना। ठीक है, ये डाल दीजिए। तो 1/4 टेबलस्पून अपन गरम मसाले के इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारी जो लौकी दो प्याज है देख लीजिए आप, एकदम तैयार है। अब करेंगे हम इसकी प्लेटिंग, देख लीजिए आप अच्छे से देखिए। तो अपनी लौकी दो प्याजा की जो सब्जी है वो चुकी एकदम तैयार। ये स्पेशली मैं उन बच्चों को या उन मम्मी इसको डेडिकेट करूंगा जिनके बच्चे लौकी की सब्जी पसंद ही नहीं करते या लौकी का जूस वगैरह पसंद ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों को डेडिकेटेड है या उन मम्मी इसको डेडिकेटेड है जिनको अपने बच्चों तक लौकी, मतलब लौकी की सब्जी उनको खिलानी है। तो सबसे पहले 2-4 स्टेप मैंने पूरे वीडियो के अंदर आपके साथ अच्छे से शेयर कर लिया, अब वहाँ से सीखो। पनीर दो प्याजा से भी बेटर सब्जी लगेगी, अब लिटरली बता रहा हूँ ऐसा कैसा मेथड अपनाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर तो करना। थैंक यू।